बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसमें हम फर्दर सीख रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के लास्ट दो लेक्चर हमने कुछ बातें सीखी थी। आज फर्दर हम होम की के ऊपर ही काम करेंगे और मज़ीद सीखेंगे कि इसके अंदर हम क्या कुछ काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास टेक्स्ट है और इसको मैं मुख्तलिफ कलर्स देना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अल्फाबेटिकल ए जो है वो लिखा है और इसके नीचे कलर आपको शो हो रहा है। तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ कलर में शो कर सकते हैं। तो ये मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो इसको मैं ब्लू कलर में लिख सकता हूँ। तो सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट अगर करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। और इसकी मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ और इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। रोटेट यहाँ पे आप अगर कोई डायरेक्शन मुख्तलिफ देना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप इसको मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट, जैसे भी आप चाहते हैं इसके स्टाइल में। अच्छा, ये तो हो गया हमारे कलर का। अब इसको मैं कोई स्टाइल दे देता हूँ और साथ में इस पर अंडरलाइन भी कर देता हूँ और इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, इटैलिक कर देता हूँ। और यहाँ पे दोबारा जो है, अब मैंने इस पर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह जो लगाई, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो जो ही मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ इसको भी मैं फॉर्मेटिंग चेंज करूँ, तो ये फॉर्मेटिंग सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं दोनों की। तो जितना भी आपने काम किया ओरिजिनल टेक्स्ट पे आपने आना हो तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अंडरलाइन में है, इसको मैं ये रिमूव कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर दोबारा ब्लैक कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर ब्लैक करते हैं ताकि विजिबल है। तो अब आप इसको देखें तो आपका थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे आप आगे चलें तो आपके पास बुलेट्स के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। आपके पास जो पहले लगे वो नंबर वन का स्टाइल है, दूसरे नंबर पे आप बुलेट्स का आप देखें तो ये आपके पास राउंड सर्कल हो गए हैं हर फिक्रा शुरू होने से पहले, ये मुझे नहीं पसंद। और फिर बॉक्सेस जो फिल्ड बॉक्सेस हैं मैं उनकी शेप लगा सकता हूँ साथ में, और अगर वो मुझे पसंद ना हो तो ये भी लगा सकता हूँ। इसके अलावा साथ में मैं ये डिज़ाइन भी लगा सकता हूँ। तो मेरे पास बुलेट्स के मुख्तलिफ जो ऑप्शन अवेलेबल हैं कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें पसंद हो। तो साथ ही आप इसी को अगर अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे नन अगर कोई भी नहीं लगाना चाहते, एक दो तीन लगाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप विद ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं, रोमन नंबरिंग करना चाहते हैं, एबीसी कैपिटल में लगाना चाहते हैं, एबीसी आप स्मॉल में विद ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं, एबीसी विद आउट ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं, इसके अलावा स्मॉल कॉमन नंबर जो आप है वो लगाना चाहते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन हैं। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग इसको कहते हैं। तो ये मेरे पास जितना टेक्स्ट है मैंने इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग की हुई है। मैं राइट साइड से भी इसकी कह सकता हूँ कि इसकी जो सेटिंग है वो राइट साइड से आप इनलाइन करें, और ये आप देख रहे हैं। और आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज हो जाएगा, ब्लॉक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ब्लॉक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर दो लाइनों में कॉलम आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास 1-2 लेफ्ट साइड पे और 3 जो है राइट साइड पे आ गया है दो पैन की शक्ल में। इसको मैं अगर फर्ज किया 3 पैन में शो करना चाहता हूँ तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। आगे आप चल के टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे तीसरा पैन भी आपका बन जाएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा फिर सिंपल 1 कॉलम पे चला जाता हूँ, तो उसकी आप जो इंडेंटिंग है राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर आप मूव कर सकते हैं अपने डाटा को, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फर्दर कुछ जो है ये आप देखें, आप लाइन टू लाइन
कितना गैप डालना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा भी आप गैप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप देखें, आप टेक्स्ट पे आप नज़र रखें तो आपको नज़र आ रहा होगा जो जो मैं साइज़ चेंज करता जा रहा हूँ तो इनके दरम्यान में गैप भी कम होता जा रहा है। अगर आप लाइन स्पेस करना चाहते हैं यानी कि एक ही लाइन का स्पेस हो तो फिर वो कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ के आपने पैराग्राफ टू पैराग्राफ अलाइनमेंट वगैरह करनी है तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट को लिखा तो आप इस टेक्स्ट को मुख्तलिफ डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये आपको जैसे पसंद हो वो आप टेक्स्ट की जो है वो डायरेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके अलाइन टेक्स्ट आप टॉप से शुरू करना चाहते हैं, आप मिडल से लिखना चाहते हैं, आप बॉटम से लिखना चाहेंगे तो बॉटम पर चला जाएगा, टॉप से टॉप पे चला जाएगा और सेंटर से सेंटर में चला जाएगा और बॉटम से बॉटम पे चला जाएगा। अब आपको पिक्चर्स पे जो टेक्स्ट है इस पर गौर करें तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा तीनों का, टॉप से, मिडल से, बॉटम से। आप देखें आपको डायरेक्शन नज़र आएगा। तो जो भी आपको पसंद आए आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा जो आपने टेक्स्ट के साथ। अब मैं एक खाली स्लाइड पे चला जाता हूँ। अब ये भी मुझे नुकसान, ये भी नुकसान, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी। तो मुझे चाहिए एक स्लाइड ऐसी जो बिल्कुल ब्लैंक है। ये देखें मेरे पास ब्लैंक स्लाइड आ गई। अब मैंने इसमें शेप पे काम करना है। जितनी भी आप अब के टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बॉक्स बनाएंगे तो वो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज आपके पास ये टेक्स्ट जो है इस तरीके से टाइप नहीं हो सकता। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे जब नॉर्मल आपके पास फॉर्मेटिंग होता है। तो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखने का मकसद ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर भी आप ड्रा करें, आप इस स्लाइड को सिलेक्ट किया है, आप टेक्स्ट को जहाँ पर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर जो भी आप टाइप करते हैं और इसके बाद दोबारा आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको इस तरीके से रैंडमली आपका जहाँ पे दिल करे आप टाइप नहीं कर सकते। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम मज़ीद कुछ शेप्स पे काम कर सकें। यहाँ पे आपने एक अगर डायरेक्ट सीधी लाइन लगानी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ आपने काम करना हो उस तरीके से कर सकते हैं। आपने लाइन की कलर चेंज करनी है, रेड में करना है या फिर ब्लैक में करना है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा आप होम पे जाएं और यहाँ पे आपने एरो भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एरो चाहिए था लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास रेड कलर में, तो डबल क्लिक इसको करें और आपके पास ये रेड में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो आप रेड एरो के साथ कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन आपको जो चेंज करनी है तो वो भी की जा सकती है। इसके अलावा बॉक्सेस आपने ऐड करना है तो ये ऐड कर सकते हैं, प्लस और एक साथ ही बॉक्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसकी कलर स्कीम आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं डबल क्लिक करने से। इसके अलावा आप सर्कल ड्रा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और इस सर्कल को बैक में सेंड करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड बैक, ठीक है, और अब राइट क्लिक करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट। और यहाँ पे अब तीसरा आपके पास आ गया तो इसको आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि हम बॉक्सेस को कैसे मूव करवा सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। और अगर आपने तीनों शेप्स को एक जगह पे सेट कर लिया, लेट्स सपोज जहाँ पे आपने सेट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि इस तरह का ही एक और ग्रुप बनाएं तो आप ये भी कर सकते हैं। एक ग्रुप को, एक पिक्चर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल के बटन दबाएं और इनको आपने सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप को ग्रुप की फॉर्म में अब ये हमारे पास हो चुका है। अब इसको जहाँ पर भी मूव करें तो ये पूरा ग्रुप मूव करेगा, कहीं पर भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर रख के आप अगर कंट्रोल सी करते हैं तो ये हो गया, भी कंट्रोल जेड कर लिया तो यहाँ पे
और कंट्रोल भी करें तो ये आपके पास पूरा एक ग्रुप आ गया है उसी तरह का ही, और आप उसको प्लेस कर सकते हैं। ये समटाइम आप दो तीन फिगर्स इकट्ठी बनाई हुई और उसी पैटर्न को अप्लाई करना चाहते हैं पूरे पेज पे, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, ये था इस ग्रुप में, एक को मैं डिलीट कर लेता हूँ। और आप इस तरह की शेप्स को ऐड करना चाहते हैं पेज को खूबसूरत बनाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए, तो ये भी करना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे इसके डिज़ाइन देख सकते हैं, तो जिस कलर में आप काम करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेरिक डालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ रैंडमली लाइनें ड्रॉ करनी है, तो देखें इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन भी होता है, लाइंस वगैरह आपने ड्रा करनी अपनी मर्जी के। इसके अलावा शेप्स और भी हैं, बहुत सारी हैं, जिस तरीके से हमने एमएस वर्ड में इनको सीखा था डिटेल से, तो यहाँ पे भी आप उन्हीं पे काम कर सकते हैं और इसमें फर्दर जो है वो शेप्स ऐड की जा सकती हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा शेप वाला पूरा एक टैब जिसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी एक अलाइनमेंट, और किसी को आपने सेलेक्ट किया हो अरेंज कर सकते हैं कि किसको फॉरवर्ड ले जाना है, किसको बैक ले जाना है, किसको, तो ये ऑप्शन होते हैं। यानी कि एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट, सबके सामने लेके आना, सेंड टू बैक, सबसे पीछे लेके जाना, ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे लेके आना, सेंड बैकवर्ड एक स्टेप पीछे लेके जाना। यानी टोटली आप बैक लेके जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक करेंगे, और एक स्टेप पीछे लेके जाना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड आ जाएगा कि एक स्टेप पीछे जाए, सबके पीछे ले जाए, बल्कि एक एक करके चल जाए। तो ये आपकी अरेंज हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप फॉन्ट के स्टाइल को देख रहे हैं, तो ये बॉक्सेस के जो आपके स्टाइल हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने डबल क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो गया था। तो हम दोबारा होम पे जाते हैं, और इसी आप जो है क्विक स्टाइल्स इसमें जाके आप काम कर सकते हैं। और मुझे इसका जो फिल कलर है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका फिल कलर चेंज कर सकता हूँ। एरो यहाँ से आपको फिल कलर जो है रेड कर लेता हूँ, जो भी करता हूँ। और इसकी आउटलाइनिंग मैं चाहता हूँ कि येलो किस्म की हो, तो यहाँ पे आप देखें तो येलो कलर की यहाँ से आपको इस पिक्चर से विजिबल हो जाएगी, क्योंकि बैक साइड पे ब्लैक है। और इसके साथ आपने इसके शेडो बनाना चाहते हैं तो शेडो भी बन जाएगा। और इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो देखना आप इसका थोड़ा सा शेडो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे इसके साथ। इसके अलावा फाइंड का, आपने कोई लफ्ज़ फाइंड करना हो स्लाइडों में से, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। यानी कि मुझे चाहिए पॉइंट, कहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट, तो ये फाइंड करेगा। और ये देख लें कि पावर पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखा था तो उसने मुझे डायरेक्टली उसी पे लेके चला गया। तो अगर इस फाइंड, ये तो है फाइंड करना, फाइंड के साथ साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, फाइंड की जगह पॉइंट की जगह डॉट मुझे लिख के दे दे, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तो ये पॉइंट की जगह डॉट, पावर डॉट लर्निंग कर दिया इसमें। तो मैं दोबारा इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि हमारा जो चेंज हुई है उसको वापस ले जाए। तो ये कंट्रोल और रिप्लेस का फंक्शन होता है। तो बाकी इसमें कोई इतनी खास चीज़ें नहीं हैं। ये जो शेप्स हैं इस पर हमने वर्ड में पहले काम किया था, जो आप शेप लिस्ट वाली काम लेके आना चाहते हैं, रिडेंडेंट लेके आना चाहते हैं, जो किस्म की आप प्रोसेस वाली शेप्स लेके आना चाहते हैं, वो आप इसमें जो है स्मार्ट आर्ट से ऐड कर सकते हैं अपने एम एस पावर पॉइंट की स्लाइड में, जो भी आर्ट ऐड करना चाहते हैं। तो आज इस तरीके से हमारा होम की जो की है ये ख़त्म हो जाती है। इस पर जो मेन चीज़ें थी हमने वो कर ली हैं कवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्ट के ऑप्शन को, डिज़ाइन, ट्रांजिशन एंड सो ऑन, हम अपने पावर पॉइंट के कोर्स को मूव करेंगे। आज के लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।